नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर गुप्ता हूँ। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ NHMMI रायपुर। और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है जोड़ प्रत्यारोपण या जॉइंट रिप्लेसमेंट। अब जब भी शब्द कोई पेशेंट सुनता है तो आम तौर पे ये देखने को मिलता है कि वो घबरा जाते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट के नाम को लेकर एक अजीब सा डर बैठा हुआ है सोसाइटी में, और इसके कारण है बहुत सारे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब लोग इस माध्यम से अगर लोग समझ सकें जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या है तो शायद उनके डर कम होंगे। तो जब लोगों को किसी चीज़ के बारे में समझ आती है, ज्ञान मिलता है, तो उसका डर अपने आप कम हो जाता है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के नाम से डर क्यों लगता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट होता क्या है और कब इसकी जरूरत पड़ती है। जब किसी के जोड़ पूरी तरह खराब हो जाते हैं, यानी एक नॉर्मल जोड़ के बीच में दो हड्डियां जब एक दूसरे के ऊपर चलती हैं तो एक दूसरे को ना छुए और एक दूसरे से घिसे नहीं, उसके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक सुरक्षा की लेयर होती है जो हड्डी को हड्डी से छूने नहीं देती। उस लेयर को इंग्लिश में कार्टिलेज या हिंदी में चिकनी हड्डी बोल सकते हैं उसको, कई लोग उसको गद्दी या ग्रीस बोलते हैं, लेकिन असल में एक वो कार्टिलेज की लेयर होती है जो हड्डी को हड्डी से छूने नहीं देती, जिसकी वजह से मैं अपने जोड़ चला रहा हूँ, कोई भी जोड़ हो मैं जोड़ चला रहा हूँ तो उनमें दर्द नहीं होता। अब उम्र की वजह से, बीमारी की वजह से, चोट की वजह से, कई कारण होते हैं जिसकी वजह से ये कार्टिलेज हट जाता है, इसकी वजह से जोड़ों में दर्द रहने लगता है। सबसे कॉमन जोड़ जो हिंदुस्तान में ख़राब होते हैं वो है घुटने, उसके बाद कूल्हे, और कई बार गठियावाद की वजह से कोहनी, कंधे, कलाई, ये सब जोड़ खराब होते हैं। जब भी कोई जोड़ पूरी तरह खराब होता है तो हम उस जोड़ को खोलकर उसकी सतह जो कार्टिलेज खराब हो गई थी उसको हम चेंज करके नया लगा देते हैं। तो अगर इस ऑपरेशन का कोई पैरेलल है, यानी इसके जैसे कोई ऑपरेशन है, तो वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में जैसे पूरी आंख नहीं बदली जाती, केवल लेंस बदला जाता है, उसी तरह जॉइंट रिप्लेसमेंट में अधिकतर में पूरा जोड़ नहीं चेंज होता, जोड़ की केवल कवरिंग, यानी जिसको कार्टिलेज या चिकनी हड्डी बोलते हैं, केवल वो बदली जाती है। और हम उमन ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है, यानी अगर हम बात करें कि 1000 लोग का ऑपरेशन हुआ तो 1000 में से केवल 10-15 लोग ऐसे होते हैं जो इसके रिजल्ट पूरी तरह से नहीं पा पाते हैं, वरना 1000 में से 990 लोग बहुत खुश होते हैं, 100 में से 99 लोग बहुत खुश होते हैं, और उनकी ज़िंदगी ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद एकदम बदल जाती है, क्योंकि दर्द खत्म हो जाता है, टेढ़े मेढ़े पैर सीधे हो जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर होकर जी पाते हैं जो पहले नहीं जी पा रहे होते हैं। तो अब हम बात करें डर का मेन कारण क्या है। डर का मेन सबसे ज़रूरी कारण ये है कि ये टेक्नोलॉजी अभी विकसित हुई है, यानी अभी मतलब पिछले 15-20-25 सालों में जोड़ प्रत्यारोपण की टेक्नोलॉजी विकसित हुई है। जब भी कोई टेक्नोलॉजी नई आती है तो कई बार वो सब लोग उसके लिए ट्रेन नहीं होते। जैसे आज से 15 साल पहले की बात करें तो जोड़ प्रत्यारोपण हिंदुस्तान में केवल 2-4 महान 5 महानगरों में होता था। क्यों? क्योंकि वहां पर एक आदमी था जो ट्रेनिंग लेकर आया था, वहां पर टेक्नोलॉजी पहुंच गई थी, और छोटे शहरों में जैसे रायपुर है और जो देश के बाकी टायर 2 शहर जिनको बोलते हैं, वहां पे ये टेक्नोलॉजी पहुंची ही नहीं थी। तो जब ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचती और ट्रेनिंग नहीं पहुंची होती है तो बहुत बार जब आप अपने शहर में जाते हैं, बड़ा नाम है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये टेक्नोलॉजी और टेक्निक सीखी नहीं होती तो वो अधिकतर राय देते हैं कि ऑपरेशन कराओ ही मत, या कराना है तो किसी बड़े शहर जाके कराओ। अब पिछले 5-7 साल में, जैसे मुझे रायपुर आए 6 साल हो गए, ऐसे मेरे साथ के और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, मैं दिल्ली एम्स से ट्रेनिंग लेके आया हूँ, कोई बॉम्बे से ट्रेनिंग लेके आया है, कोई कहीं से ट्रेनिंग लेके आया है, लेकिन जब लोग ट्रेनिंग लेकर आ गए, टेक्नोलॉजी शहर में आ गई, तो कई सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे मुंबई के लेवल के ऑपरेशन हो रहे हैं, और टेक्निकली डिमांडिंग ज़रूर है लेकिन एक खास लेवल की ट्रेनिंग के बाद रिजल्ट हम उमन सेम है। तो
दूसरा डर का कारण ये होता है क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत महंगा होता है और अधिकतर लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, तो मेरे देश में ये डर रहता है कि किस उम्र में ऑपरेशन कैसे होगा। एक 80 साल का आदमी, 85 साल का के बुजुर्ग, उनको ऑपरेशन के नाम से डर लगता है कि, क्योंकि अब तक ये सुनते आए थे कई पिछले 20 साल से 30 साल से कि कोई आदमी 80 साल का है, उसका कूलर टूट जाए, उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाए तो उसको बिस्तर पर पड़ा पड़ा छोड़ देते थे, है ना, क्योंकि ऐसा लगता था कि ऑपरेशन झेल नहीं पाएंगे। हालांकि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई भी आदमी जिसका हार्ट, लीवर, किडनी ठीक चल रहा हो, बॉडी के सिस्टम ठीक चल रहे हो, वो ऑपरेशन सह सकता है। एक और कारण है कि क्योंकि ऑपरेशन अब इतने सिंपल हो गए हैं, आज से 15 साल पहले जब कोई घुटना चेंज होता था, जब नी रिप्लेसमेंट होता था, तो एक बोतल दो बोतल खून लगता था, लेकिन अब टेक्निक्स इतनी ज़्यादा रिफाइन हो गई हैं कि आज हम जब दोनों घुटने एक साथ भी चेंज करते हैं तो बहुत बार ब्लड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो क्योंकि अब ऑपरेशन में ब्लड लॉस नहीं होता, एनेस्थीसिया की टेक्निक, यानी जब हम बेहोशी देते हैं पेशेंट को, उसकी टेक्निक इतनी एडवांस हो गई है कि बहुत बार पूरा बेहोश ही नहीं करते हैं, केवल पैर सुन करके ऑपरेशन कर देते हैं। तो अब एनेस्थीसिया और सर्जरी इतनी सेफ हो गई है कि हम बढ़ती उम्र में भी, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र में भी हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं। इस समय NHMMI नारायणा में जब हम घुटनों की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे मरीज हैं जो 85, 84 और अब हाईएस्ट अब तक हम जो गए हैं वो है 87 ईयर्स। और जब हम फ्रैक्चर्स की बात करें, कूले टूट जाते हैं, उसमें हमने 90 के ऊपर कम से कम 100 मरीज ऐसे ऑपरेट किए होंगे जो 90 साल के ऊपर हों, और हाईएस्ट जो एज गई है वो है 105 साल। 105 साल की औरत जिसका कूल्हा टूट गया हो, बिस्तर पे पड़ी हो, टॉयलेट ना जा पा रही हो, खुद पानी ना पी पा रही हो, वो अपने मरने का इंतजार कर रही है कि मैं, लेकिन मौत भी आसानी से नहीं आती कई बार जब इस तरह के फ्रैक्चर होते हैं, केवल एक कूल्हा ही तो टूटा है, बाकी सिस्टम ठीक काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हम पेशेंट को अगर ऑपरेट करते हैं, अगले दिन खड़ा करके चला देते हैं, तो उनकी जितनी जिंदगी बची रहती है वो बिना दर्द के और आत्मनिर्भरता के साथ गुजरती है। तो ये दो मुख्य कारण थे कि टेक्नोलॉजी लेट आई, दूसरा क्योंकि ये बढ़ती उम्र में होते हैं तो लोगों को डर बहुत लगता है। और जब हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो आज के ज़माने में जॉइंट रिप्लेसमेंट पहले से सस्ता हो गया है, पहले से सेफ हो गया है, और अगर आप अपने घर के आसपास देखें आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो अलग अलग जगह से ऑपरेशन करा के आए हैं, क्योंकि डर की वजह से कई बार लोगों को लगता है कि हम अपने शहर से दूर जाके ऑपरेशन कराएंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हमारे रायपुर में भी बहुत सारे लोग हैं जो रायपुर में ऑपरेशन कराते हैं, बहुत सारे लोग बाहर से हमारे पास आते हैं। डर का एक और कारण ये है कि कई बार लोगों को लगता है कि अपने शहर में इलाज नहीं हो सकता, और ये हिंदुस्तान के अधिकतर शहरों में तकलीफ है। तो हमारे पास रायपुर में ऐसे पेशेंट हैं जो कलकत्ता में रहते थे और उनका था कि हम कलकत्ता में शायद ऑपरेशन अच्छा नहीं हो, वो रायपुर आके ऑपरेशन कराए। मेरे पास ग्वालियर से पेशेंट आते हैं, मेरे पास नागपुर से, बॉम्बे से पेशेंट आए हैं जिनका हमने ऑपरेशन किया है। तो ये एक अजीब सा मिथ है, हालांकि बॉम्बे वाले वहाँ बॉम्बे में कराते, वो आराम से वहाँ पर भी सक्सेसफुल हो सकते थे। तो दूर जाके ऑपरेशन कराने का कॉन्सेप्ट ये बहुत पहले से बना हुआ है और ये गलत कॉन्सेप्ट है। अगर टेक्नोलॉजी और अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर्स आपके घर के पास हैं जो सक्षम है ये ऑपरेशन करने में, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा ही होता है। बाकी आपके कुछ भी सवाल हो, कोई दिक्कत हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करके ज़रूर का जवाब देंगे। नमस्कार।